अत्यंत कष्ट के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं का अत्यंत चिंताजनक हाल है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में फोन करने पर अक्सर फोन का उत्तर नहीं मिलता, जिसकी शिकायत चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री को करने पर फोन तो उठता है लेकिन सकारात्मक काम नहीं होता। एम्बुलेंस भी पेशेंट्स को समय पर नहीं मिल पाती, फोन से बुलाने पर 5-6 घंटे लग रहे हैं। सीएमओ ऑफिस से भर्ती की स्लिप मिलने में 2-2 दिन का समय लग रहा है। ये उस चिट्ठी की लाइनें हैं जिसे उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लिखी है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को लिखी इस चिट्ठी ने कोरोना काल में अव्यवस्था की सारी पोल खोल कर रख दी है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने बाकायदा चिट्ठी लिख करके स्वास्थ्य विभाग को कहा है कि उनकी तरफ से न सिर्फ लापरवाही हो रही है जांच में बल्कि देरी हो रही है। जो किट्स जितनी दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही है, रिपोर्ट्स लेट में आ रही हैं, रिस्पांस टाइम बहुत खराब है और अगर यही हालात रहे तो लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला है क्योंकि आमतौर पर सरकारें किसी भी व्यवस्था को इनकार करती हैं लेकिन उनके खुद के कैबिनेट मिनिस्टर अगर सवाल उठा रहे हैं तो यानी मामला काफी गंभीर हो गया है। ब्रजेश पाठक के विधानसभा क्षेत्र में आने वाले इतिहासकार पद्मश्री योगेश प्रवीण की मृत्यु के बाद ब्रजेश पाठक ने यह चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में ये भी लिखा गया है कि वर्तमान कोविड-19 जनित परिस्थितियों में जबकि हर दिन 4,000 से 5,000 कोरोना के रोगी जनपद में मिल रहे हैं, ऐसे में कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या अत्यधिक कम है। लखनऊ में प्राइवेट पैथोलॉजी सेंटरों में कोविड की जांच बंद करा दी गई है और सरकारी अस्पतालों में कोविड की जांच में कई दिनों का समय लग रहा है। चिकित्सा विभाग के एक बड़े अधिकारी ने मुझे बताया कि उन्हें प्रतिदिन 17,000 किट जांच के लिए चाहिए लेकिन सिर्फ 10,000 किट उपलब्ध हो पा रही है। यूपी के कानून मंत्री की चिट्ठी ने विपक्ष के इन आरोपों को बल दे दिया है कि कोरोना मैनेजमेंट में सरकार नाकाम है। उत्तर प्रदेश में हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है। ये बात अब हमने ही उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री भी कह रहे हैं कि यहाँ ना टेस्टिंग की व्यवस्था हो पा रही, ना बेड की व्यवस्था है, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है। वो फोन करते तो अधिकारी उनके फोन का जवाब तक नहीं देते। जब कानून मंत्री का हालत एक तो आम जनता कैसे जूझ रही होगी, कोरोना घर घर में फैला हुआ, लोगों की मौतें हो रही है, शमशान घाट पर लाश की लाइन लगी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में बिजी है, उनको पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में व्यवस्था का हाल मंत्री की चिट्ठी से खुला तो एक दिन पहले ही गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि सच्चाई सरकार के दावों के उलट है। लोग अब सोचने लगे हैं कि वो भगवान भरोसे हैं, लोगों में विश्वास की कमी है। बात किसी एक सूबे या इलाके की नहीं है। कोरोना काल में जब रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा नए केस आने लगे हैं तो देश में हाहाकार मचा हुआ है। चाहे अस्पताल के लिए चक्कर काटने की बात हो या शमशान में लगी लंबी वेटिंग लिस्ट हो या फिर पलायन करते मजदूरों की व्यवस्था हो, हर जगह व्यवस्थाएं चरमराती नजर आने लगी। इस बीच हरिद्वार कुंभ में जुट रही लाखों की भीड़ के बावजूद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा। मरकज एक केवल हॉल के अंदर था, मैं कह सकता हूँ कि उससे नापना तोड़ना ठीक नहीं है। वो केवल एक घर के अंदर सीमित हुए थे और यहाँ तो फैला हुआ है, खुले में है, यहाँ ओपन है और गंगा के पास है, माँ गंगा का अविरल धारा का पूरी तरह बहाव आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, ये बल्कि होने नहीं चाहिए उससे तुलना, तो विषय टूटते हैं ना। कोरोना का कहर लोगों पर भारी पड़ रहा है लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि इस हालात से पब्लिक को बचाने का उपाय कौन करेगा। देहरादून से दिलीप और लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक के रहा।